कि अभी एग्जाम्स हो रहे हैं जारी हैं, लेकिन अब साथ में ही वो इंडियन वेरिएंट का कोरोना वायरस आ गया, चौथी लेयर कहा जा रहा है, तो ये एक मतलब फिर इस तरह के इत्तेमाद में ये खतरा तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ। जब तक मुझे हुक्म नहीं आता NCOC से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि बंद कर दें, तो मैं तो एग्जाम्स लेता रहूँगा। जब वो फैसला, ये फैसला मैंने नहीं करना कि कोरोना का जो वेरिएंट है वो किस हद तक पहुंचा है, ये फैसला हेल्थ मिनिस्ट्री ने करना है। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि एग्जाम नहीं हो सकते तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात हमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं कही, इसलिए इम्तिहान चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अच्छा, नहीं है, ये मेरे पास तो जितनी स्पेस है मैं इम्तिहान लेता रहूँगा, और क्योंकि और वो सुबह और सारे सुबह जो है वो इम्तिहान लेते रहेंगे। हेल्थ का फैसला एजुकेशन ने नहीं करना। बच्चे भी गिरफ्तार हुए हैं तलबा, तो ये गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए थी? देखिए, ये सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर, इनका कोई और पर्पज़ नहीं था कि जी शायद चीप पॉपुलरिटी मिल जाए। बेशुमार बच्चे जो हैं, 90% बच्चे इम्तिहान चाहते थे, वो इम्तिहान हो रहे हैं, 95% बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं, और ये जो एहतजाज वाला था ये भी कोई एहतजाज है कि हम इम्तिहान नहीं देंगे? कमाल की बात है, ये आज तक कभी किसी दुनिया में सुना है आपने कि इम्तिहान नहीं देंगे हम? तो ये तो इसलिए सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स ने मिलकर फैसला किया कि इम्तिहान होंगे। फाइनल जो मेन जो समराइज है इस जो सारी वीडियो का, वो यही है कि आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी तैयारी को जो है वो ना छोड़ें, इधर उधर की जो है वो वीडियोस के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर इन खबरों के ऊपर कान ना धरें, क्योंकि आपके अभी तक की अपडेट के मुताबिक आपके एग्ज़ाम्स 9th और 11th क्लास के होंगे, और अगर कैंसिल होंगे, प्रमोशन होगी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ करोना वायरस की सूरत में होगी, और अगर करोना वायरस के केसेस जो है वो कम हो जाते हैं तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे, और हर सूरत के अंदर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर कन्फर्म हो चुका होगा कि आपके एग्ज़ाम्स किस वजह से कैंसिल हो सकते हैं, प्रमोशन किस वजह से हो सकती है, और हमारी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, आपके जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे उसके अंदर हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आपके जो है वो एग्ज़ाम्स 10th क्लास के और 12th क्लास के होंगे, और हुआ भी यही। और उस वक्त जो यूट्यूब चैनल्स थे और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें आम थी और हमने आपको कह दिया था, लेकिन आप जो है वो हमारी खबरों के ऊपर जो है हमें खुद कह रहे थे कि फेक है, झूठ है, लेकिन आपने देख लिया कि आपके 10th क्लास के और 12th क्लास के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गए, और सिंध के अंदर तो हो गए, इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर भी हो गए। तो दोस्तों, हम आपके भले के लिए जो है वो वीडियोस बनाते हैं, और आपकी आपको गाइड करने के लिए, आपको अपडेट बताने के लिए हमारा चैनल है। जो भी अपडेट आती हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर पता चल जाती है। हमारी 2018 से यानी करोना वायरस से पहले का हमारा ये चैनल है, और हमारी चैनल जो है वो हमने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सारा समझ आ सके कि क्या होने वाला है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।